फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट काउबॉय ब्रॉक लेसनर के डे वन के सबसे बड़े अपोनेंट के बारे में। अभी के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है कि अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज हो सकते हैं बीस्ट इनकार्नेट काउबॉय ब्रॉक लेसनर के डे वन के अपोनेंट, यानी कि डब्ल्यू से ड्रीम मैच मानते हैं। कभी भी ये दोनों आमने सामने कभी रिंग में आए ही नहीं है, इसलिए डब्ल्यू प्लान करी है ब्रॉक लेसनर वर्सेस अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज। अगर ये मैच नहीं होता, इसका एक रिप्लेसमेंट मैच हो सकता है अपने ऑल माइटी बॉबी लैशली वर्सेस बीस्ट इनकार्नेट काउबॉय ब्रॉक लेसनर सिंगल्स मैच होगा। अगर ये भी नहीं मैच हुआ तो और एक मैच है शायद, मुझे अभी के लिए ये ऊपर सोचना पड़ेगा, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। ये मैच सिंगल्स मैच होगा अगर ब्रॉक लेसनर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। अभी के लिए तीन मैच मेरे ख्याल से ये मैच प्रेडिक्ट करूँगा अभी के लिए। अब बात करते हैं अपने रूमर रेंज के मल्टीपल अपेयरेंस होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर। जो आने वाला जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वहाँ पर रूमर से जरूर आएंगे। नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए भी शायद बैक स्टेज से उनका इंटरव्यू या फिर कुछ तो सेगमेंट होगा, लेकिन उसके बाद जो क्लैश ऑफ द क्लैंस के लिए जो गो होम एडिशन है उसके लिए रूमर रेंज स्मैकडाउन पर होंगे। उनके जो मेन शो है वहाँ पर नहीं होंगे, रूमर रेंज सीधा सीधा वो स्मैकडाउन का एपिसोड और बैक स्टेज से देंगे। और शायद जब उससे गोम एडिशन की टेपिंग होगी तब रूमर रेंज उसकी अपेयरेंस देने वाले हैं अभी के लिए। अब बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक्नॉलेज करते हैं रूमर रेंज को। मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन उसका डिस्क्राइब कर दिया कैसे स्टोन कोल्ड रूमर रेंज के बारे में सोचते हो, लिखते हैं कि मैं रोक एक्नॉलेज करता हूँ रूमर रेंज को उनकी जो अभी के लिए 2022 21 और 20 में जो उनका जो ट्राइबल चिप गेमिंग सबसे दमदार था उसके लिए एक्नॉलेज करता हूँ। ही विल क्रैश एवरीवन, स्मैश एवरीवन, ब्रॉक एवरीवन ही स्मैश्ड, ऐसा कुछ अपने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने सबको रूमर रेंज ने क्रैश कर दिया अभी के लिए। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं उस प्रोड्यूस नहीं कर पाया, यानी कि कुछ रिटर्न वर्क नहीं कर पाया उस रूमर की स्टोरी लाइन में।